नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे करनाल के तरावड़ी के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची हुई है। क्योंकि आपको एक आगे गाड़ी दिखाना चाहूंगी, ये I-20 गाड़ी है जिसका टायर अचानक से फट जाता है। टायर अचानक से फट जाने के बाद ये गाड़ी असंतुलित हो जाती है। जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे उनका एक सड़क हादसा हो जाता है, देखिए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी बुरे तरीके से डैमेज हुई है, अगला हिस्सा गाड़ी का बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है। अगले तरफ से तो नंबर नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको पीछे की तरफ से दिखाना चाहूंगी, लेकिन अंदर की तस्वीरें देखिए, अंदर शीशा ही शीशा, आपको कांच टूटा हुआ सीट्स पर दिखाई दे रहा होगा। हालांकि अभी कोई भी अंदर मौजूद नहीं है, यहां से चले गए। पीछे कंबल वगैरह भी रखे हुए हैं। गाड़ी का एक बार नंबर देख लीजिए, HP03C8565, ये I-20 गाड़ी का नंबर है। और इस गाड़ी का यानी कि जो संतुलन है जब वो बिगड़ता है उसके कारण ये गाड़ी यहाँ पर रुक जाती है। ये तमाम आप परिवार के सदस्य देख सकते हैं जो कि चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे, बच्चों के साथ महिला हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हैं। लेकिन ये गाड़ी आखिर क्यों रुक गई है, और ये टायर आप देख सकते हैं, आर्टिका गाड़ी है, गाड़ी का टायर आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे में क्या हुआ है वो हम इन्हीं से जानेंगे। मैडम, क्या आपका नाम है, ये कैसे हुआ पूरा हादसा, और आपकी गाड़ी कैसे रुक गई है? मैं अंजलि कर्ण हूँ। ये गाड़ी वो I-20 जो जा रही थी वो उनका सारा टायर फट गया, जिसके कारण उनका सारा पार्ट बैलेंस बिगड़ने से उनका पार्ट बिखर गया। उनके गाड़ी के पार्ट हम पीछे से आ रहे थे, हमारे टायर में घुस गया और हमारा गाड़ी पार्ट वगैरह घुसी आपके? हाँ, ये इतना मोटा था, मैंने अभी निकाल के फेंका है, वो हमने फेंक दिया। कौन है जो आपकी गाड़ी? नहीं, वो उधर गए हैं, उनसे ये स्टेफनी मेरा नहीं खुल रहा था, तो वो अपनी गाड़ी है, ये हमारी अपनी गाड़ी है। हाँ, ये कोई ड्राइवर चला रहा था? हाँ नहीं, ये अपनी गाड़ी है और ड्राइवर भी मेरे खुद के हैं। आपके साथ कौन है, ड्राइवर है या हस्बैंड वगैरह? नहीं, ड्राइवर है, मैं बच्चों के साथ गई थी छुट्टी पे। जा रहे हैं आप? मैं चंडीगढ़ जीरकपुर से जा रही थी दिल्ली के लिए। दिल्ली जा रहे थे? हाँ जी। कुछ काम था, किसी फंक्शन में? नहीं, ऐसे ही मैं छुट्टी मनाने के लिए, बच्चों का पोल्यूशन के कारण छुट्टी हो गया था, तो बच्चे मेरे काफी देर के लिए। गाड़ी का कोई और नुकसान भी हुआ? नहीं मैम, बस यही हुआ है। ये टायर भी आपका क्या पंचर वगैरह हो गया, उसके बाद ये चल ही नहीं रहा था? नहीं, एकाएक वो घुसा है और बस एकाएक पूरा पंचर हो गया। पंचर ही हो गया तुरंत? हाँ, पंचर हो गया। अगले वाली जो मैं गाड़ी देख पा रही हूँ, I-20 बुरे तरीके से डैमेज है, ठुकी हुई है काफी, वो किसके साथ ठुकी थी, कोई आइडिया? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, वो पहले से ठुकी हुई थी, हम लोग पीछे से आ रहे थे, बस उसी का मिरर का, शायद गाड़ी के मिरर का जो बड़ा सा मोटा सा डॉट था वो किसी ट्रक वगैरह से? हाँ, वो आगे साइड ट्रक था, आगे साइड ट्रक था जो हमारा यानी कि अनुमान था, क्योंकि गाड़ी बुरे तरीके से, जो I-20 गाड़ी आगे हमने आपको दिखाई वो बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। अनुमान यही था कि किसी बड़े वाहन से उसकी टक्कर हुई है, बड़े वाहन से टक्कर हुई है। और ये आप देख सकते हैं आर्टिका गाड़ी है, जो ये लोग हैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, DL नंबर गाड़ी DL9CAZ3628, जो इनके साथ इनके ड्राइवर हैं वो इस तरफ गए हैं। सामने आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप है, यहाँ पर वो गए हैं क्योंकि अचानक से इस गाड़ी का I-20 गाड़ी का टायर फट जाता है और ये किसी बड़े वाहन से यानी कि ट्रक ही बताया जा रहा है जिससे इसकी टक्कर होती है, तभी गाड़ी का अगला हिस्सा आप देखिए बुरे तरीके से डैमेज है। हालांकि इसमें जो ड्राइवर थे उनकी हालत क्या है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची थी, वो चली जरूर यहां से गई है। हालांकि लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस गाड़ी में जो भी ड्राइवर थे उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उन्हें चोटें आई हैं तो कितनी आई हैं, उनकी हालत क्या है, उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है या फिर नहीं। लेकिन एक बड़े ट्रक से ज़रूर टक्कर हुई, इस गाड़ी का टायर फट जाता है, जिसके बाद कुछ नोकीली सी चीज़ इनके गाड़ी के टायर में, जो पिछले गाड़ी यानी कि जो पिछला हिस्सा है गाड़ी का, उस पिछले टायर में एक कोई नोकीली चीज़ फंस जाती है, जिसके बाद उनका यानी कि जो टायर है वो बुरे तरीके से पंचर हो जाता है और उनकी गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है। हमारे साथ आंटी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आंटी, क्या नाम है आपका, कितनी देर हो गया आपको परेशान होते हुए? आधा घंटा हो गया होगा। आधा घंटा हो गया आप लोगों को? हाँ, आधा घंटा। तो कहाँ जाना था? वही दिल्ली जाना था। मेरी यही नाती नतनी लड़की है। आपके सामने ही I-20 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ? नहीं, वो हमें लगता है कि आधा घंटा पहले हो गया था, तो कुछ चीज नीचे ही थी जो जिसके कारण। हाँ, देखा दो ना, यही घुस गया था, ये घुस गया था, ये यहीं पे था। हाँ, यहीं पर रोड पर रहा होगा, ड्राइवर देखा नहीं, घुस गया। पुलिस आई थी यहाँ पे?
पुलिस लेके उन लोग को गए, हम लोग आए थे ना। तो जो ये I-20 के ड्राइवर थे, इनको चोटें वगैरह तो नहीं है? नहीं, किसी को चोट बोला, हम पूछे हैं जो ज्यादा चोट वगैरह नहीं है। कुछ आदमी उतरा था ना, थे ड्राइवर नहीं, लेकिन लगता है पुलिस की गाड़ी थी ना, वो उनको लेके चले गए। तो मतलब हालत उनकी ठीक थी? हाँ, नहीं, सारे लोग ठीक थे। ठीक थे, कितने लोग थे उस गाड़ी में? हमको लगता है 4 लोग थे। 4 लोग हाँ। थे, मतलब फैमिली थी? हाँ, 2 लोग तो उनको पुलिस ने शायद गाड़ी में बैठा के ले गए, और 2 जेंट्स थे उनको वो टेम्पो पकड़ के गए। आप देख सकते हैं एक बाइक का भी आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, अब यहाँ से ये भी हो सकता है कि बाइक के साथ टक्कर हुई हो, हालांकि आपका शायद ये कहना था कि उसे ट्रक से हुआ हो सकता है। बताया था कि ट्रक सामने था, हमारा बैलेंस बिगड़ गया इसी के कारण, हमारा ट्रक की वजह से। तो हाँ, ट्रक से ही टक्कर हुई है, जो महिला का भी कहना है, जो उन्होंने पुलिस से बात की थी। लेकिन यहाँ पर हालांकि पुलिस नहीं है, क्योंकि वो अस्पताल लेकर साथ में जाना ज़्यादा ज़रूरी था। और ऐसे में आप देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि नेशनल हाईवे पर कोई भी सड़क हादसा हो जाए तो नेशनल हाईवे को साफ कर देना चाहिए, ताकि कोई और बड़ा सड़क हादसा ना हो। सामने I-20 गाड़ी है, यानी कि हाईवे अथॉरिटी को भी चाहिए कि तुरंत इस गाड़ी को यहाँ से हटवा दिया जाए। प्रशासन को चाहिए, पुलिस की टीमों को चाहिए कि इस गाड़ी को हटवा दिया जाए, ताकि कोई और बड़ा सड़क हादसा ना हो। और ऐसे में आप देख सकते हैं, अभी भी आपको काफ़ी हिस्से नेशनल हाईवे पर ही दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी हिस्से नेशनल हाईवे पर, और एक नोकीला हिस्सा उस I-20 गाड़ी का नेशनल हाईवे पर ही था, जो इनके टायर में घुस जाता है, और जिसके बाद इनका टायर बुरे तरीके से पंचर हो जाता है और इनकी आर्टिका गाड़ी यहीं पर रुक जाती है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।